Sadhya Swami Pranabhanandaji, Sadhya Swami Chidanandaji, Swami Aryaveshji, or Sri Sachidanand Joshiji, Yahaka Sachu, Sri Anand Kumarji, Viswaved Samyalanka Samyojak, or Sri Viswanath Karaji, Chancellor World Peace University, Pune, or Acharya Balakrishnaji, Patanjali Ayurved, or Acharya Pavitra Vidyadankarji, or is samarah mein bhag lene wale sabhi mahanubhav, behnon aur bhaiyon aur bachchon, main sachmuch mein bahut aanand mehsoos kar raha hu. Karan kya hai, aaj aisa ek pavitra karyakram ka udghatan karne ka saubhagya mujhe mila hai. Subah-subah itna kam notice mein itna log बच्चे सहित इतना लोग काफ़ी संख्या में आप लोग इस विश्व वेद सम्मेलन का प्रारंभ सत्र में आया, मैं आप सबको भी अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं. विश्व वेद सम्मेलन के पावन अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है. आप इस वैदिक विद्वान वेदों का संबंध में विचार विमर्श कर समस्यामिक विषयों पर चर्चा करेंगे तथा इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक नवीन संदेश प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे आशा है. वेदों का विश्व संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है. भारतीय परंपरा के अनुसार वेद ज्ञान अनादि एवं प्राचीनतम है. वेदों में अनेक विद्याओं का समावेश भी है और साथ ही साथ हमारा सभ्यता संस्कृति आचार्य प्रणाली एवं दर्शन आदि वेद पर ही आधारित है. वेदों में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा विश्व कल्याण का संदेश है. वेद ज्ञान और विज्ञान के आधार है. वेदों में विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान उपलब्ध है. मित्रों, वेदों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और नैतिक उन्नति के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं. सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान का मार्गदर्शन भी मिलते हैं. वैदिक दर्शन में सत्य, अहिंसा, संयमन और तप और आत्मिक उन्नति को जीवन की आधारशिला माना है. वेदों में धार्मिक सहिष्णुता, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय उन्नति में सबके सहयोगी का कामना की गई है. वेद के अनुसार समाज में ना तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है. वेद का ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए, जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, यथे माम वाचम कल्याणिम अवधानी जनेभ्या. वेद में किसी संप्रदाय या जाति विशेष का वर्णन नहीं है, अपितु मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने का संदेश मिलता है. ऋग्वेद में कहा है, मनुर्भव मनुष्य बनो. वैदिक दृष्टिकोण विशाल एवं व्यापक है. इसके अनुसार यह सारे संसार एक घोंसला है और उसके प्रत्येक प्राणी का सुख की कामना की जाती है. यत्र विश्वम भवति एकनिडम, यजुर्वेद में कहा है. वेदों में प्राणी मात्रा को मित्र की दृष्टि से देखने का संदेश हमें मिलता है. मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहे, ये ऋग्वेद में कहा गया है. संसार की किसी देश का व्यक्ति हो, प्रदेश या सांप्रदाय का हो, उनकी रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है. पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, वेद के अनुसार सभी मनुष्य एक समान है. ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है. ये बीच में आया है, कुछ लोगों ने इसको बड़ी प्रमाणे पे इसको कहते हैं, तो वही ये तो हिंदू धर्म में ऐसी है, वेदों में ऐसा है, उपनिषद में ऐसा है. उन लोगों ने उपनिषद पढ़ा नहीं, मगर बोलते हैं सब उसी कारण से हो रहा है ऐसा. ये एक गलत प्रचार हमारा देश में काफ़ी मात्रा में हो रहा है. सम्मान, सबको मिलकर प्रगति करने का समान अवसर प्राप्त हो. वेद सबके सुख, शांति, प्रगति, समृद्धि का संदेश देता है. आधुनिक भारत के निर्माता, आर्य समाज का संस्थापक महर्षि दयानंद जी ने यह नारा दिया है, बैक टू द वेदास, वेदों के ओर लौटे.
This is very relevant even today. We all must go back to Vedas, try to understand what is there in Vedas. Adikal se, Vedakal se, Punyakal se, Puranakal se, Purojano jiya aur diya virasatvam ko mila. Ye dharma, ye samskruti, ye jivana paddhati, isko kayam rakhna hai. Aur Ved padhne se, Upanishad padhne se, aapko aur gyan milega aur samaj ko margdarshan karne ke liye aapko pura vishwas bhi milega. Isliye main chahta hu Dayanand ji ne jis tarah kaha us samay, back to roots, back to Vedas. Back to Vedas means back to roots. We are going back to our roots. Unhone kaha tha, Ved sab satya vidyaon ki pustak hai. Ved ka padhna, padhana aur sunna, sunara sab manushyon ka param dharma hai. Vedon ki sahi arth ko janne ke liye unhone nirukt par aadharit Vyaska, Panini aur Patanjali ka paddhati ka sahara liya hai. Woh adbhutiya hai jiski yogi Arvind ne pushti karte hue Vedon mein aadhunik vigyan ki संभावनाओं को भी उन्होंने माना है अरविंद जी ने महान दार्शनिक मैटर लिखता है वेद ही एकमात्र ज्ञान के भंडार है जिसकी तुलना हो ही नहीं सकते इसी प्रकार मैक्स मदर आदि अन्य विचारक और विद्वान वेद को बड़ी प्रतिष्ठा के दृष्टि से देखते थे उनका उद्देश्य जो भी हो मगर उनको भी अध्ययन करने का उस समय इच्छा था आइए हम सब मिलकर इस सांस्कृतिक धरोहर को अध्ययन करें और आचरण के द्वारा परिपुष्टि करें तथा वैदिक संस्कृति के सच्ची अनुराग बने जातिवाद भाषावाद प्रांतवाद के भेद से ऊपर उठकर समाज के दलित वंचित वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करें यही वेदों का मूल संदेश है मुझे विश्वास है कि इस तीन दिनों का तक चलने वाले इसी विश्व वेद सम्मेलन के माध्यम से वेदों में से हम विश्व शांति तथा विश्व भ्रातृत्व का भावना के सूत्रों का निकालकर दुनिया को एक नई संदेश प्रदान करें मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर एक विषय में आपको बताना चाहता हूँ 19th सेंचुरी सॉ द रिवाइवल ऑफ उपनिषद्स बाय राजा राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद हु टुक अप द कॉल टू एम्ब्रेस वेदांता बट इट वॉज हेरक्यूल एंड जील ऑफ महर्षि दयानंद which came to the rescue of the ancient most source of all knowledge, that is Veda. The ancient source of all knowledge is Veda. Hamara gaam mein bhi kehte hai, koi achha, kisi senior ne kaha hai to, log kehte the, Veda vak, Veda mein kaha hai, isliye isko svikar karna chahiye. Yehi hamara paddhati tha. Mitro, in the words of a great yogi Aravindo, Dayananda flung open the gates of Vedas for humankind and added, there is nothing far-fetched in Dayananda's ideas that Vedas contain the truth of science as well as truth of religion. I will even venture to add my own conviction that Vedas contain the truths of science the modern world does not all possess. In that case, Dayananda has rather understated the depth of and range of Vedic wisdom. Maharshi Dayananda, the great architect of modern India, gave clarion call to go back to Vedas by interpreting Vedas along rational lines and suggested by Vyaska, Patanjali and Panini. So all the major religions of the world have been inspired by the core spiritual values of the Vedas. One God, one universe, one human family. This is what we have to think in our life. भारत बहुत पुराना देश है 130 करोड़ आबादी है हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं विविधता में एकता भारत का विशेषता अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश इररेस्पेक्ट ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स रिलीजन एंड रीजन इंडिया इज वन वी आर वन नेशन वन पीपल एंड वी ऑल्सो बिलीव इन सर्वे जना सुखिनो भवंतु वसुधैक कुटुंबम ऐसा बताने वाले ऐसा विश्वास करने वाले हम भारतीय हैं इसलिए भारतीय होने का गर्व महसूस करना चाहिए वेदर यू फील इट इज इंडियन वेदर इट इज फील हिंदू वेदर यू फील भारतीय यू शुड फील प्राउड बिकॉज ऑफ द कल्चरल हेरिटेज दैट योर फोर फादर्स हैज गिवन टू यू कीप दैट इन माइंड लेट अस ऑल ट्राई टू गो बैक टू वेदास लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ वेदास लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन अवर लाइफ बिकॉज विच हैज बीन पोल्यूटेड
by the colonial rule. The poor people, they have come, they have ruled us, they have ruined us, they have looted us, they have cheated us. It's a factual position. Even before these people came and before the Mughals, Indian GDP, world GDP, 27% of the world GDP was of India. And later what has happened, now we are struggling to reach 7%, 8% because of the colonial rule. It is not only our wealth, but our mental health also has been ruined by those people. And as Agiveshji was telling, this English mindset, there is nothing wrong in learning English, but English mindset, that should be given up. That's my appeal to all of you. There are great Indian languages. One must read, one must speak, one must converse in the mother tongue. Matru bhasha mein bolna. Ye hamara paddhati hona chahiye. ये दूसरी व्यक्ति को जिनको मातृभाषा मालूम नहीं उनसे दूसरी भाषा में बात करिए, हिंदी में बात करिए, चाइनीज में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, कोई आपत्ति नहीं, मगर तेलुगु तेलुगु में बात करें और मराठी मराठी में बात करें, हिंदी हिंदी में बात करें, पंजाबी पंजाबी से बात करें. और घर में भी हम लोग माँ को माँ कहने में भी संकोच करते हैं और पुराने लोग कहते हैं अरे मम्मी कहो डैडी कहो. ये क्या है मम्मी डैडी बीडी जाडी, मुझे समझ में नहीं आता है. मम्मी माँ माने अंतराल से आता है, मम्मी माने मुँह से आता है. अब घर जाके एक बार ट्राई करके देखिए, समझाइए लोगों को. माँ उर्दू में भी अम्मी अम्मी अम्मा, तेलुगु में अम्मा, हिंदी में माँ, उर्दू में अम्मी अम्मी अंदर से आता है, मम्मी यहाँ से आता है. तो इसलिए हमेशा हमारा मातृभाषा को मान्यता देना चाहिए. भाषा और भावना एक साथ चलता है. इसलिए मित्रों आज इस पावन अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर सुबह सुबह मुझे यज्ञशाला जाके वहाँ यज्ञशाला में जो पंडित लोग ऐसा वेद मंत्र के उच्चारण के साथ ही साथ यज्ञ का शुभारंभ किया. और आज पार्लियामेंट का पहले दिन है और राज्यसभा के चेयरमैन के नाते मुझे थोड़ा पहले सभी पार्टियों से मिलना है. 9:30 बजे उनको समय दिया है. इसलिए मैंने जब अग्निवेश जी और सिद्धार्थ जी आए तो मैंने कहा भाई आना चाहता हूँ, काफ़ी समय आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, मगर आज फर्स्ट डे है तो चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन नहीं है तो फिर क्या होगा आपको मालूम है. इसलिए मित्रों मैं ज़्यादा समय नहीं बता सकता आप लोगों के साथ. आज मुझे एक सौभाग्य दिया, आप सबको भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ. और स्वामी जी को और अन्य महानुभाव यहाँ बहुत लोग हैं और विदेश से भी आया है. उन्होंने पुस्तक दिया मुझे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द व्यर्थ, मैं वो पुस्तक भी पढ़ूंगा. बिकॉज वेयर एवर देर इज नॉलेज टेक द नॉलेज, दिस इज वॉट वेदास सेज ऑल्सो. वी टेक द नॉलेज फ्रॉम एनी वेयर, विंड्स शुड फ्लो ओपनली. वी डोंट बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव एवरीबडी इज गॉड. इवन अहम ब्रह्मस्य, यू कैन थिंक दैट यू आर ऑल्सो ए गॉड. देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री. We have the tolerance in our blood, and the so-called discussion now goes on, everything is linked to secularism. Secularism is not there because of politicians. Secularism is not there because of constitution. Secularism is the DNA of every Indian, every Bharatiya, everybody who is born in this country. Hamara hareka blood mein hai, swabhavik hai. इसलिए हम उसको कायम रखेंगे, आगे ले जाएंगे. और वेद के साथ जैसा कहा है, वेद पढ़ने से आपको अपना तर्क देने में, अपना आर्गुमेंट देने में आपको साइंटिफिक तरीका से कैसा बोलना ये भी मालूम हो जाएगा. इसलिए बैक टू वेद इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट एवरीबडी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन मूव फॉरवर्ड. माई बेस्ट विशेज टू द ऑर्गेनाइजर्स, टू द कॉन्फ्रेंस एंड टू द डेलीगेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वी हैव सीन ऑल्सो जैसा बालिकाओं ने अच्छी उन्होंने प्रार्थना किया. इसमें प्रार्थना करने में मजहब पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति है, मगर हमारा जो जैसा आप कहते हैं ना संस्कृति, वो जीवन पद्धति है. ये भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति. मैं शुभकामनाएं बच्चों को भी. और एक बार आप सबको धन्यवाद देते ही मैं मेरा वाणी का विराम करता हूँ. नमस्कार, जय हिंद.